इसका समाधान कैसा होगा, ये यहाँ आत्महत्या कर ले हम सबने, बता ये गंदगी देखो कितनी गंदगी कीचड़ जम रही है, यहाँ आत्महत्या कर ले क्या करें, अपने बच्चों को मार दें हम। बरसात के मौसम में गलियों और सड़कों में जलभराव आम बात है, लेकिन क्या हो अगर ये जलभराव की समस्या आपके लिए परमानेंट हो जाए, यानी ये समस्या जी का जंजाल बन जाए, इतनी बड़ी समस्या बन जाए कि आप यहाँ से आपको निकलना भी मैसर ना हो। ये वही गली है और टाइम 24 की टीम इस वक्त बुलंदशहर की खुर्जा में स्थित सराय नसरुल्ला की होली ब्रह्मानंद कॉलोनी में है और यहाँ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जलभराव की समस्या कब से है और क्यों आखिर अक्सर ये जलभराव की समस्याएं हो जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जगवीर शर्मा। शर्मा जी ये बताइए मुझे, यहाँ गली में एक तो ये होता है कि बारिश से पानी भर गया, दूसरा यहाँ अक्सर जलभराव होता है, क्या कारण है उसका? देखो जी ये मुख्य कारण तो यह है कि अंग्रेजों के ज़माने का सीवर है छोटा सा, पानी पहले कम था, अब घर घर समर है, पानी वो समर जो सीवर लाइन है वो ओट नहीं पाती है, तो मुख्य कारण तो वह है। ये करीब करीब 15 साल से ये समस्या देख रहे हैं हम। अच्छा। लेकिन कभी बारिश ऋतु में वर्षा ऋतु में ये समस्या होती थी, लेकिन करीब 6-7 महीने से मैंने जो एप्लीकेशन दी थी 17/5 में दी थी, 6-7 महीने से लगभग उस एप्लीकेशन से पहले हम मुँह जवानी कह के आते थे, बाद में हमने एप्लीकेशन दी, उस दिन से आज तक परमानेंट पानी भरा रहता है। आज शिकायत करी तो आज निकल गया, अभी निकाल के गए, निकल गए, हाँ उस जनरेटर से निकाल के गए। चलिए जो महिलाएं यहाँ रहती हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं महिलाओं को, आप उनसे पूछेंगे क्या समस्या है उनकी, आप मुझे बताइए यहाँ पे किस तरह की परेशानी होती है जब जलभराव। यहाँ सबसे बड़ी बात तो पानी की है, पानी इतना हम पे लिख रहे राजा गिर जाए तो कोई उठा, हंसे हो रहे और भंगड़ झोंके हैं कि मर जाएगा कोई है? अच्छा। सब मर जा, हम मर जा तो ये का कर लेंगे, आगे काहे के लिए आए और घर घर हम कछु दे रहा है, ये जो कीचड़ और गंदगी हो रही है उसी की वजह से, वही की वजह से है, और नगर पालिका बारे हंसे हो रहे हैं हमें देख के, हम जाए तो नगर ऐसे ही रहेगी। शिकायत तो की होगी आपने सब, हाँ कहिए क्या कहते हैं, जो कहते हैं हाँ है जाएगी, हाँ है जाएगी, उनसे देना होगी। अच्छा अच्छा, कौन से दिन होगी आप बताइए किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत भैया पानी की है, हमारे तो बच्चे बीमार पड़े हैं, पानी में कोई टिरी वाला रिक्शा वाला कोई नहीं आता है, मतलब और मतलब जो बीमार पड़ गया वहाँ लेके भी ना जा सकते, कंधा पे थोड़ी ले जाएंगे बड़े बच्चे ने, टिरी वाला गाड़ी वाला कोई नहीं आ रहा है। चलिए हाँ। तो ये समस्या इनकी बता रहे हैं कम से कम 15 साल से तो ये इसी तरह की समस्या है, उन्होंने अपने घरों के आगे आगे पोस्टर में तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा पोस्टर लगा दिए हैं और पोस्टर पे लिखा है कि नगर पालिका से परेशान होगा हम लोग पलायन कर रहे हैं समस्त गलीवासी, हर गली ये पलायन करने की नौबत कैसे आ गई और क्या इनकी समस्या आखिर है जो उसका समाधान नहीं हो पा रहा है, ये भी इन लोगों से जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन लाल है जी। मदन लाल जी बताइए ये जो घर घर के आगे पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं पलायन के, क्या इसके लिए? ये पानी की समस्या बहुत है साहब, इससे बहुत परेशानी है, बीमारी फैल रही है, पैर भी सड़ रहे हैं लोगों के। क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? ये है कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, पानी से निजात मिलनी चाहिए, ये होना चाहिए। समस्या तो बहुत है और ये समस्या बहुत जर्जर हो चुकी है, गंभीर रूप ले चुकी है, लोगों का कहना है बीमारी पनप रही है, लोगों के पैर गल जाते हैं, गंदगी जो नालों का पानी है वो आगे से नाला सीवर जो है वो चाक हो जाता है क्योंकि बहुत पुराना बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जल भराव अक्सर हो जाता है, केवल बरसात में नहीं जो नालों का पानी है वो रुक जाता है। और जान लेते हैं सर ये जो पोस्टर यहाँ चस्पा किए गए हैं ये पलायन के, ये हम इतना परेशान है इस मोहल्ले के अंदर, हर घरवासी परेशान है, लेडीज जेंट्स बच्चे नए स्कूल जाने से परेशान, हर चीज़ से परेशान है हम नगर पालिका को शिकायत लेके जाते हैं तो तुम्हारे नाम की FIR करेंगे, SDM के पास, DM के पास जाके बताओ किसके पास जाएं हम। अच्छा। नगर पालिका EO और चेयरमैन FIR की धमकी, हाँ FIR की धमकी देते हैं हमें आकर, और इनके पास इतना पैसा आ गया, SDM साहब ने ये कही थी कि हम इसकी समस्या समाधान कर देंगे 17 तारीख से, आज की तारीख हो गई 23 तारीख हो गई, हम 6 महीने से झेल रहे हैं इस परेशानी को, इसका समाधान कैसा होगा, ये यहाँ आत्महत्या कर ले हम सबने, बता ये गंदगी देखो कितनी गंदगी कीचड़ जम रही है, यहाँ आत्महत्या कर ले क्या करें, अपने बच्चों को मार दें हम, बताओ ये घर बेच के चले आए हो गए, अपने अपने मकान बेच के चले आओ यहाँ से।
देखो इनके देखो। और भी कई लोग हैं आपके क्या पैर में क्या हुआ है? इससे हुआ। अच्छा ये गंदगी से सेप्टिक बन गया इसका। सेप्टिक बन गया। तो ये परेशानी कब से है आपको यहाँ? क्या करते हैं आप? क्या नाम है? लाइट का काम करता हूँ। राजकुमार नाम है। क्या करते हैं आप? लाइट का। लाइट का काम करते हैं। तो ये जो पैर में आपकी समस्या बनी है इसी वजह से बनी है? हाँ। ये वो लोग हैं, जब यहाँ मीडिया पहुँचती है तो लोग का जमावड़ा लग जाता है, शायद इसलिए कि जब मीडिया यहाँ पहुँची है तो अधिकारियों तक इनकी बात पहुँचेगी और जो इनकी बरसों पुरानी समस्या है, इनका कहना है कि 15 साल पुरानी ये समस्या है। हालांकि कई महीनों से ये प्रशासन के लगातार चक्कर काट रहे हैं, शिकायत दे रहे हैं, पर स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी कोई सुनता नहीं है और जब ये नगर पालिका पहुँचते हैं तो वो इन्हें मुकदमा करने की इनके खिलाफ धमकी देते हैं। तो ये प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र आती है कि जो अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। हालाँकि जो है जनरेटर लगाकर नगर पालिका वहाँ से पानी तो निकाल देती है, लेकिन फिर ये पानी जाम हो जाता है, सीवर जाम हो जाता है और फिर यहाँ पानी भर जाता है और ये पानी कई कई फुट तक यहाँ भरा रहता है। आप ये सड़क की तस्वीरें देखिए, यहाँ कीचड़ अभी भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले स्थानीय लोगों ने बताया कि थोड़ी देर पहले नगर पालिका यहाँ से पानी निकाल गई थी जो गंदे नाली का पानी भर गया। आप देखिए ज़रा सी देर में स्थानीय लोगों का यहाँ जमावड़ा लग जाता है। लोग इस यहाँ के इतने परेशान हैं, जब इनसे हमने ज़्यादा जानकारी की तो इन्होंने बताया कि जब जो संबंध होते हैं, जो नए रिश्तेदार जुड़ते हैं, वो यहाँ की जर्जर हालत देखकर वो कहीं ना कहीं वापस लौट जाते हैं, ना मेहमान आने के, ना ये कहीं जाने के, ना बच्चे स्कूल पढ़ने के। और ये जो पूरा बरसाती मौसम निकला है ये इनका जल भराव में ही निकला है। खैर अब देखते हैं कि इस पर अधिकारी क्या कहते हैं, स्थानीय लोगों की क्या समस्या है, कब तक उसका समाधान होगा। इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए नगर पालिका से जेई भीषम सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर ये समस्या क्या है और इसका निस्तारण क्यों और क्यों नहीं हो रहा और कब होगा। सर स्वागत है आपका। ये जो ब्रह्मानंद कॉलोनी है यहाँ जलभराव की समस्या अधिक होती है, किस कारण से ये जलभराव की समस्या होती है, क्या इसका समाधान है? सर यहाँ पहले जो है इस मोहल्ले का पानी, गली का पुरानी डक्ट थी बहुत नीचे जो है वो बहुत ही कम कैपेसिटी की, वो पहले उसमें पानी जाता था और इसके लिए कोई नाला जो है यहाँ नहीं था, तो पहले जो है चलता रहता था उधर, लेकिन अभी काफ़ी समय से जो है वो एकदम पूरा चौक हो गया। काफ़ी मशीनें भी बुलाई, जेटिंग मशीन भी बुलाई, लेबर ने भी जो है पूरा उसमें मैन होल में जाके जो है सफाई करने की कोशिश की, लेकिन वो साफ़ नहीं हो चुका और चौक हो गया है पूरी तरह से। अब उसके नाला, उसके पानी निकासी के लिए एक नाला निर्माण किए जाने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग जंक्शन रोड से होते हुए और किला रोड से उस नाले को कनेक्ट करेंगे। तो कितना लंबाई नाला बनेगा, कब तक हो जाएगा? इसके लिए लगभग ये 300 मीटर का नाला है और ये इसका एस्टीमेट बनवा दिया गया है, एस्टीमेट बन गया है और इसका प्रस्ताव यहाँ से स्वीकृत होके और ज़िले पर जो है भेजा जा रहा है और स्वीकृति उपरांत ही टेंडर प्रक्रिया तत्काल की जाएगी। ये विशेष प्रस्ताव अलग से दिया जा रहा है। अच्छा अब बात अगर अनुमान की करें, अगर अनुमान लगाया जाए तो लगभग कितने दिन में लोग, जो स्थानीय लोगों की समस्या है उसका उन्हें समाधान हो सकता है? सर इसको निर्माण होने में कम से कम 2 माह का समय जो है लगेगा। ठीक है जी। तो ये थे नगरपालिका के जेई, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो पुराने समय से एक वहाँ टैंक बना हुआ है, सीवर बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो इतना पानी सोख सके। हालांकि समय समय पर नगर पालिका द्वारा उसकी साफ़ सफाई की जाती है, लेकिन क्योंकि बरसात का मौसम है और फिर वहाँ जो गंदे पानी का जल भराव हो जाता है, इसी वजह से वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जेई है, इनका साफ तौर पर कहना है कि उसके लिए स्पेशल एक प्रस्ताव भेजा गया है नाला निर्माण के लिए, जो लगभग 2 से 3 महीने में 300 मीटर का इस नाले का निर्माण कर दिया जाएगा। अब खैर देखना ये होगा कि ये प्रस्ताव कब तक पास होता है और स्थानीय लोगों को अपनी इस समस्या से कब तक जूझना पड़ता है और कब तक इसका समाधान होता है। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।